हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल ज्ञान चंद्र पर स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे ऑनलाइन ट्रेन की टिकट को बुक कर सकते हैं घर पर ही बैठे। अब आपको किसी भी ट्रेन की टिकट को बुक करने के लिए एक लाइन में नहीं लगना पड़ेगा और आप घर पर ही बैठे ट्रेन की टिकट को बुक कर सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, अपन शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपना प्ले स्टोर को ओपन करना है। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर टाइप करना है आई आर सी टी सी। टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन दिख रहा है, आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए। मैं इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप वहाँ से भी चेकआउट करके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आप इसको ओपन कर लीजिए। तो ओपन करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। अगर आपको कुछ परमिशंस मांगे ये ऐप, तो आप इन सारी परमिशंस को अलो कर दीजिए। तो उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों, आपको ऊपर ट्रेन टिकट दिखाई दे रहा है, आप इस ट्रेन टिकट पर क्लिक कर दीजिए। इस ट्रेन टिकट पर क्लिक करने के बाद कुछ आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। अगर आप इसके न्यू यूज़र हैं, आपने कभी इस पर कभी कोई भी आईडी अपनी नहीं बनाई है, तो आप रजिस्टर पर क्लिक कर दीजिए। तो दोस्तों, रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। सबसे पहले आपको दिख रहा है यूज़र नेम, आप इस यूज़र नेम के अंदर कोई भी अपना यूनिक यूज़र नेम डाल दीजिए। जो ये यूनिक यूज़र नेम होना चाहिए, ये कम से कम 3 से 10 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। अब इसके अंदर आपको एक न्यूमेरिकल डिजिट भी लेनी है और एक कोई भी कैपिटल लेटर भी लेना है। तो मैं डाल देता हूँ दोस्तों मेरा कोई भी यूनिक यूज़र नेम। उसके बाद दोस्तों अपना कोई भी पासवर्ड डाल दीजिए, फिर आप इस पासवर्ड को कन्फर्म कर दीजिए, फिर आप अपने फर्स्ट नेम को डाल दीजिए, फिर आप अपने मिडिल नेम को डाल दीजिए और फिर आप अपने लास्ट नेम को डाल दीजिए, फिर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को डाल दीजिए। डेट ऑफ बर्थ को डालने के बाद अपने जेंडर को सिलेक्ट कर लीजिए, फिर आप अपने मोबाइल नंबर को डाल दीजिए। मोबाइल नंबर डालने के बाद अपनी ईमेल आईडी को डाल दीजिए। अगर आपको ईमेल आईडी नहीं बनानी आती है, अगर आपने नहीं बना रखी है, तो फिर मैंने एक इसकी वीडियो पहले से डाल रखी है, आप उस वीडियो को देख के स्टेप बाय स्टेप अपनी ईमेल आईडी को बना सकते हैं और यहाँ पर डाल सकते हैं। तो जल्दी दोस्तों, मैं अपनी ईमेल आईडी को यहाँ पर डाल देता हूँ। फिर आप इस नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं दोस्तों, ये इंटरफेस ओपन हो चुका है। फिर आप इसके अंदर अपनी नेशनलिटी, सिक्योरिटी क्वेश्चन, ऑक्यूपेशन और मैरिटल स्टेटस को डाल दीजिए। एग्जांपल के तौर पर देख सकते हैं दोस्तों, मैं कैसे कैसे डाल रहा हूँ, आप देख सकते हैं। उसके बाद ये सिक्योरिटी आंसर डाल दीजिए कोई भी, फिर अपने ऑक्यूपेशन को सिलेक्ट कर लीजिए, फिर अपने मैरिटल स्टेटस को सिलेक्ट कर लीजिए, फिर आप इस नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आप इसके अंदर अपना एड्रेस डाल दीजिए, फिर अपना स्ट्रीट डाल दीजिए, फिर आप अपना एरिया डाल दीजिए। उसके बाद अपनी कंट्री को सिलेक्ट कर लीजिए। कंट्री को सिलेक्ट करने के बाद आप इसके अंदर अपना पिन कोड डाल दीजिए। पिन कोड डालने के बाद आप देख सकते हैं दोस्तों, इसने अपना स्टेट को अपने आप ऑटो जनरेट कर दिया। उसके बाद आप दोस्तों अपनी सिटी को सिलेक्ट कर लीजिए। सिटी को सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आप इसके अंदर अपना पोस्ट ऑफिस को सिलेक्ट कर लीजिए। पोस्ट ऑफिस को सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आप इसके अंदर फिर से अपना फ़ोन नंबर डाल दीजिए, फिर आप इस नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। तो दोस्तों देख सकते हैं, अपना जो इसके अंदर अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका है। दोस्तों इसके अंदर अकाउंट बनाना बिल्कुल ही आसान है, आप बिल्कुल आसानी तरीके से स्टेप बाय स्टेप जैसे मैंने बनाया है वैसे आप देख देख के आसानी से बना सकते हैं। उसके बाद इसे ओके पर क्लिक कर दीजिए। ओके पर क्लिक करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं ये इंटरफेस ओपन हो चुका है। उसके बाद दोस्तों अपना जो यूज़र नेम है जो आपने वहाँ पर डाला था, वो यूज़र नेम डाल दीजिए और अपने पासवर्ड को डाल दीजिए, फिर आप लॉगिन पर क्लिक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, मैं डाल देता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो चुका है। तो दोस्तों इसके अंदर मांगना आपसे मोबाइल नंबर पर आने वाला ओटीपी और ईमेल आईडी पर आने वाला ओटीपी। जो आपने मोबाइल नंबर डाला था उस पर जो ओटीपी आया था वो यहाँ पर डाल दीजिए, और जो आपकी ईमेल आईडी थी जो उस पर ओटीपी आया था वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। तो दोस्तों मैं अपने दोनों के दोनों ओटीपी डाल देता हूँ। तो दोस्तों दोनों के दोनों अपने ओटीपी को डालने के बाद आप इस वेरीफाई यूज़र नेम पर क्लिक कर दीजिए।
तो दोस्तों देख सकते हैं अपने दोनों के दोनों OTP डालने के बाद ये सक्सेसफुल हो चुका है। तो आप ओके पर क्लिक कर दीजिए। ओके पर क्लिक करने के बाद आप दोबारा इसके अंदर अपना पासवर्ड डाल दीजिए, फिर इस लॉगिन पर क्लिक कर दीजिए। तो दोस्तों देख सकते हैं कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो चुका है। उसके बाद दोस्तों आप अपना कोई भी 4 डिजिट का पिन क्रिएट कर लीजिए। तो दोस्तों इसके अंदर मैं क्रिएट करके डाल देता हूँ, फिर सबमिट पर क्लिक कर दीजिए, फिर ओके पर क्लिक कर दीजिए। तो दोस्तों देख सकते हैं कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो चुका है। अगर आपको ट्रेन की टिकट बुक करनी है तो आप जो सबसे ऊपर पहला ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक कर दीजिए, प्लान माई जर्नी पर। उस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं आप, ये आपको सब कुछ बता रहा है कि आपको क्या क्या करना है। आप इसको ओटेट पर क्लिक कर दीजिए। तो दोस्तों देख सकते हैं इसके अंदर फ्रॉम स्टेशन और टू स्टेशन दिखा रहा है। उसके बाद दोस्तों आपका जो स्टेशन है जहाँ से आपको चलना है और जहाँ पर आपको जाना है वो स्टेशन डाल दीजिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं कोई भी डाल देता हूँ। और जहाँ पर मेरे को जाना है वो स्टेशन डाल देता हूँ। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं आप इसके अंदर डेट दे रखी है कि आपको किस डेट पर जाना है। तो मैं कोई भी डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। डेट सेलेक्ट करने के बाद आप सर्च ट्रेन पर क्लिक कर दीजिए। सर्च ट्रेन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं इसने अपनी सारी ट्रेन को दिखा दिया कि उस दिन कौन कौन सी ट्रेन चलेगी। तो आप इस ट्रेन पर क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों इसके अंदर जो स्लीपर है, स्लीपर की टिकट्स बुक हो सकती है। तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए, स्लीपर पर। स्लीपर पर क्लिक करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं इसने अवेलेबल भी दिखा दिया, RAC भी दिखा दिया कि भाई इस दिन ये टिकट अवेलेबल है, इतनी टिकट अवेलेबल है। देख सकते हैं दोस्तों इसके अंदर अवेलेबल 4 टिकट है 31 तारीख को, अवेलेबल 13 टिकट है 1 जून को। तो दोस्तों आप इस पर बुक नाउ पर क्लिक कर दीजिए। बुक नाउ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप ऐड पैसेंजर पर क्लिक कर दीजिए। जितने पैसेंजर आपको ऐड करने हैं उसका नेम डाल दीजिए, एज डाल दीजिए, उसकी एज कितनी है, उसका जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए, और आपको कौन से बर्थ प्रेफरेंस, आपको लोअर सीट चाहिए, मिडल सीट चाहिए, अपर सीट चाहिए, साइड लोअर सीट चाहिए, साइड अपर सीट चाहिए, ये चीज़ सेलेक्ट कर लीजिए। तो दोस्तों मैं सारा कुछ डाल देता हूँ एक बार एग्जांपल के तौर पर। फिर डन पर क्लिक कर देता हूँ। आप दोस्तों इसके अंदर कितने ही पैसेंजर्स को ऐड कर सकते हैं, और अगर आपके पास कोई चाइल्ड है, कोई बच्चा है, तो आप उसके अंदर कोई चाइल्ड भी ऐड कर सकते हैं जो 5 साल से कम उम्र का है। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ डू यू वांट टू टेक ट्रैवल इंश्योरेंस। आप इसके ऊपर अगर ट्रैवल का इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो आप येस पर क्लिक कर दीजिए या नो पर क्लिक कर दीजिए। तो मैं नो पर क्लिक कर देता हूँ। बुक टिकट पर फिर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं इसके अंदर आपको फेयर बता रहा है कि भाई आपने जो टिकट बुक की है एक जने की उसका चार्ज कितना है, उसका चार्ज है 150 रुपये। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं जो कैप्चा है, इस कैप्चा को यहाँ पर डाल दीजिए। उसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक कर दीजिए। तो दोस्तों देख सकते हैं इसके अंदर आपको 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। आप कोई भी ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद इस पे पर क्लिक कर दीजिए। पे पर क्लिक करने के बाद अपनी सारी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जो भी चीज़ आप जिस भी चीज़ से आपको पेमेंट करनी है उस चीज़ की सारी डिटेल्स डाल के आप पे पर क्लिक कर दीजिए। आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी और आपकी जो टिकट है वो भी बुक हो जाएगी। मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पर दिखा रहा था, इसलिए मैं इसको टिकट को कोई भी टिकट को बुक नहीं कर रहा हूं। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि मैं कोई भी न्यू लेटेस्ट वीडियो लेके आऊँ तो आपको पता चल जाए। थैंक यू दोस्तों।